गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हमारी इंग्लिश की क्लास में क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको, पढ़ाऊंगी मैं नेमिंग वर्ड्स। ओके, क्या पढ़ाएंगे? नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए आपकी बुक है, आपकी बुक का लेसन नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा है लेट्स लर्न नेमिंग। देखिए आपका है नेमिंग वर्ड्स, लेट्स लर्न वर्ड्स दैट, आप पहले पढ़ना सीखिए WORDS वर्ड्स, THAT डैट, NAME नेम, आ ए नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे आ, PERSON पर्सन, PLACE प्लेस, ANIMAL एनिमल, OR THING थिंक, आर कॉल नेमिंग वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पर्सन, जैसे ये देखिए पर्सन बना है, कोई डॉक्टर बना हुआ, जैसे कोई भी डॉक्टर है या फिर कोई आदमी है या फिर आप या मैं हूँ, ठीक है, आप बॉय हो तो पर्सन हो, गर्ल है तो आपकी मम्मी है पापा है, वो हम लोग क्या है पर्सन। तो कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, प्लेस मीन्स स्कूल भी हो सकता है या फिर कोई ऑफिस भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, आगरा भी हो सकता है, ना ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी किस में आती हैं, प्लेस में, ठीक है। उसके बाद हमारा है एनिमल, एनिमल हमारे जैसे ये देखिए एनिमल आपका ये कैमल भी हो सकता है, एनिमल में आपका ये एलिफेंट भी हो सकता है, एनिमल में आपके घर में जो चूहा दौड़ता रहता है वो एनिमल में आ गया, या फिर कैट, कैट को भी देखा है आपने, बर्ड है ना, ये सब हमारे क्या हो गए एनिमल। एनिमल एंड थिंग्स, थिंग्स में ये आपका पेन हो गया, ये स्टेपलर हो गया, ये बॉल भी थिंग में आती है ना, ये बुक भी थिंग में आती है। तो ये इसका मतलब नेमिंग वर्ड्स हमारे कौन कौन से हुए, पर्सन जैसे आप में पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, इन सबको हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, समझ में आया ना आपको, पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, गॉट इट, सबको समझ में आ गया। इन सब चीज़ों को नॉर्मली जो आप हम लोग देखते हैं हम इन सबको कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। तो चलिए नेम ऑफ पर्सन, सबसे पहले हमारा आ गया पर्सन, पर्सन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन क्या कहलाता है नेम ऑफ पर्सन, हम उसको समझाते हैं। कॉबलर COBBLER, मैंने आपको पीपल हेल्पर्स में पढ़ाया था, कॉबलर जो होते हैं जो पीपल हेल्पर्स में वो कॉबलर, ठीक है, तो वो हमारा कौन हुआ पर्सन, कॉबलर को भी एक तरीके का वो भी पर्सन है, वो क्या काम करता है, वो चप्पल जूते बनाता है, वो चीज़ होता है उसको कहते हैं। दूसरा SWEPER स्वीपर, स्वीपर कौन होते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, जो घर के बाहर आपकी सफाई करते हैं, आप सुबह उठते होंगे देखते होंगे आपकी रोड वगैरह साफ होती है तो कौन करता है उसको साफ, स्वीपर करता है, तो वो हमारे क्या हुए नेम ऑफ पर्सन। TEACHER टीचर, टीचर मतलब मैम आपकी जो आपको पढ़ाती है, मैं आपको पढ़ाती हूँ मैं भी टीचर, तो हम क्या हुए पर्सन, ठीक है। उसके बाद BARBER बार्बर, बार्बर जो आपके बाल काटता है, आपके बाल बड़े जाते हैं आप बार्बर के पास जाते हैं ना बाल कटवाने के लिए, पापा आपके पास, पापा जाते हैं आपके शेव करवाने के लिए, तो ये सब हमारे कौन हो गए नेम्स ऑफ पर्सन, ये सब हमारे कौन हो गए नेम्स ऑफ पर्सन, ठीक है। आपकी मम्मी पापा हम टीचर सब लोग किस में आते हैं नेम ऑफ पर्सन में आते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट है नेम्स ऑफ प्लेसेस, ठीक है, कौन कौन सी जगहें हमारी जो प्लेसेस में से आती हैं, जैसे कि पहाड़, आप लोग कभी कभी गर्मी की छुट्टी होती तो आप लोग मम्मी आपको बाहर घुमाने ले जाते हैं ठंडी जगह पे, देहरादून वगैरह जाते हैं ना लेकर आपको, तो हमारा वो है माउंटेन जैसे हो गया, तो है MOUNTAIN माउंटेन, वो हमारा प्लेस में आ गया, हम पहाड़ों पे जाते हैं। स्कूल, आप डेली स्कूल पढ़ने आते हैं SCHOOL स्कूल, स्कूल आप डेली आते हैं वहाँ के पढ़ते हैं तो क्या है वो प्लेस है आपका, तो स्कूल भी आपका है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस POSTOFFICE पोस्ट ऑफिस, यानी कि जहाँ पे जाके आप लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं, कहीं आपको भेजना आपके नानी या माँ मामी कोई दूर रहते हैं तो उनको लेटर भेजेंगे कार्ड भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस में जाके होते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस हमारा किस में आ गया प्लेसेस में। फिर ज़ू, आपने ज़ू देखा होगा ZOO वहाँ पे जानवर होते हैं बहुत सारे, शेर होता है और हिरन होते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े सांप भी होते हैं, है ना, हिप्पोपोटामस होता है, बहुत सारे एलिफेंट वगैरह बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, वो ज़ू, वो हमारा किस में आया नेम्स ऑफ प्लेसेस, ये सब हमारे किस में आते हैं नेम्स ऑफ प्लेसेस में आते हैं। अब नेक्स्ट नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो भी हमारी चिड़िया वगैरह जानवर, जैसे आपको मैंने दिखाया था कि ये सही है आपका कैमल है, कैमल आपका एनिमल्स हो गया,
जैसे आपका ये एलिफेंट है तो ये भी हमारा एनिमल में आ गया, तो ये हमारे सब क्या हो गए, ये हमारे हो गए नेम्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जैसे टाइगर, हॉर्स, पीकॉक, क्रो, तो ये सब हमारे नेम्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। अब क्या बचा लास्ट में आपका, थिंग्स, तो थिंग्स में आप देखिए नेम्स ऑफ थिंग्स, थिंग्स में हमारा आ गया चेयर जिस पर आप बैठते हैं, स्कूल में बैठते हैं चेयर होती है, BUS बस, बस में आप लोग कभी कभी स्कूल से आते हैं वैन भी होती है, DVN वैन लिखते हैं आप लोग, ट्री, वैसे ट्री तो थिंग्स में नहीं आता, पेन, पेन से, पेंसिल से आप लिखते हो वो भी सब हमारा किस में आता है, थिंग, और बॉल, बॉल तो मैंने आपको भी दिखाया था, तो ये सब हमारी क्या चीज़ें हो गई नेम्स ऑफ थिंग्स में। तो ठीक है बच्चों, आज में हम लोग ने क्या पढ़ा, नेमिंग वर्ड्स, और नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, तो आपको सब चीज़ें याद करनी है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।